हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया ट्रिक सीखने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 111 यानी 9 टाइम्स 1 रिपीट किया गया है और इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट किया गया है और इस दोनों के डिफरेंस को 9 से डिवाइड किया गया है और इसका आंसर क्या होगा ये बताना है। तो देखिए, मैं चंद सेकेंड में इसका आंसर लिख दूँगा। फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितनी जल्दी मैंने इसका आंसर फाइंड किया। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका भी आंसर मैंने तुरंत फाइंड कर लिया। फिर ये क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी आंसर मैंने तुरंत फाइंड कर लिया। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैंने जिस ट्रिक का यूज़ करके बनाया है वो ट्रिक अब हम लोग सीखने जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ 9 टाइम्स 1 है, यानी 1 को 9 टाइम्स रिपीट किया गया है और इसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट किया गया है और उसके बाद इन दोनों के डिफरेंस को 9 से डिवाइड किया गया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इन सभी नंबर का सम कितना होगा, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर सबको जोड़ेंगे तो 9 होगा और इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट किया गया है क्योंकि इन सभी नंबर का सम 9 है और इसमें से 9 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके बाद इन दोनों के डिफरेंस को 9 से डिवाइड किया गया है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, आंसर लिखते समय हम लोग बस ये याद रखेंगे कि ये 1 है, नंबर 1 है ना, तो 1 का मल्टीपल लिखेंगे कहाँ तक, ये नंबर टोटल 9 है इसीलिए इससे एक कम यानी 8 तक, तो 1 का मल्टीपल 8 तक लिखेंगे। 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, बस यहाँ तक ख़त्म। उसी तरह आप लोग देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन में 2 है और 2 5 टाइम्स है और इन सभी नंबर का सम हो जाएगा 10, तो इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट किया गया है और इसको डिवाइड किया गया है 9 से। तो हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर 2 है और 2 का मल्टीपल लिखेंगे कहाँ तक, तो एक कम यानी ये 5 टाइम्स है तो 2 का मल्टीपल 5 तक नहीं लिखेंगे, 4 तक ही लिखेंगे, 2 4 6 8, और यही हमारा आंसर होगा। उसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ नंबर है 3, 3 को रिपीट किया गया है 4 टाइम्स, 3 3 3 3, और इन सभी डिजिट का सम हो जाएगा 12 और इसमें से 12 घटाया गया है और उसके बाद इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड किया गया है 9 से। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल लिखेंगे कहाँ तक, ये 4 टाइम्स है तो 3 टाइम्स, यानी 3 का मल्टीपल 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 3 6 9। अब आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कितना होगा, आप लोग बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 का मल्टीपल लिखना है कहाँ तक, 7 तक, क्योंकि यहाँ पे 3 3 6 2 8, यानी 8 बार 1 को रिपीट किया गया तो एक बार कम तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक 1 का मल्टीपल लिख देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 4 टाइम्स रिपीट किया गया 2 को, है ना, एक ही डिजिट है, 4 बार है, 2 2 2 2, तो हम लोग क्या करेंगे 2 का मल्टीपल लिखेंगे कितना बार, तो 3 टाइम्स तक ही, यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, बस। उसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ 3 है 3 टाइम्स, तो हम लोग 3 का मल्टीपल लिखेंगे कितना बार, यहाँ 3 बार है तो इसीलिए हम लोग 3 टाइम्स नहीं लिखेंगे, कितना टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स, 3 का मल्टीपल 2 टाइम्स, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, बस, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम या कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे तो आप लोग बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।